हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वॉचिंग माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशन। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए आपको प्रिपरेशन कराया जा रहा है इस चैनल पर, और जो भी छोटी बड़ी अपडेट है यूपी बीएड एग्जामिनेशन से लेकर वो आप तक पहुँचाता हूँ। तो एक न्यूज़ निकल के ये आ रहा था कल कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम रद्द हो सकता है। देखिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये एक आर्टिकल बोल रहा है, हिंदुस्तान में आर्टिकल आया था, वो बोल रहा है। ठीक है, तो मेरी तरफ से नहीं है, ये आर्टिकल तरफ से है जो कि उन्होंने बात किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो उनकी तरफ से कुछ अपडेट्स निकल कर आना है, उनके बारे में बात करेंगे। अगर इस चैनल पर आप आते हैं तो इस पर आपको ना केवल एग्ज़ाम संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन दी जाता है, बल्कि आपकी प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है, जिसमें आपको रीजनिंग हिंदी और जीएस संबंधित आपको वीडियोज़ मिलता है, और किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या न्यूज़ है। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए खुशखबरी हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है कि ये थोड़ा सा बुरी खबर हो सकता है। देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो न्यूज निकल के आई, आया है, इसके लिए कराई जाने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ठीक है, अब ये ऐसा इसलिए हुआ कि सीबीएसई बोर्ड का 12th का एग्जामिनेशन आप लोग को पता है रद्द कर दिया गया है, यूपी बोर्ड का कल अनाउंस कर दिया, अलग अलग राज्यों में भी अनाउंस कर दिया गया 12th का एग्जाम अब नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से, क्योंकि तीसरी थर्ड वेव आने की पूरी संभावना है, उसको देखते हुए ये जताई गई है, डिसीजन लिया गया है। तो कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए इतनी बड़ी प्रवेश परीक्षा कराने पर सहमति नहीं बन पा रही। आपको पता है कम से कम 5.5 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, आवेदन किया है, तो इसमें से 5 लाख तो एग्जाम देने देने वाले हैं, और 2.5 लाख सीट है प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो ये एक अपडेट था। प्रवेश परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी लखनऊ यूनिवर्सिटी को दिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय यह प्रवेश परीक्षा आगामी जुलाई माह में कराने पर विचार कर रहा था। मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी में इस समय मीटिंग चल रहा था, एक मीटिंग आयोजित हुआ था, उसमें ये डिसीजन निकल के आया था कि हम लोग जुलाई में लगभग 29-30 जुलाई के आसपास एग्जामिनेशन कराने की विचार कर रहा था। ठीक है, हालांकि शासन की मंजूरी के बाद ही यह संभव हो पाएगा। ऐसे में प्रवेश परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी इस बार भी लखनऊ दी गई। लखनऊ विश्वविद्यालय यह परीक्षा जुलाई में कराने पर विचार कर रहा था, हालांकि शासन की मंजूरी के बाद यह संभव हो पाएगा। ऐसे में जब सीबीएसई व यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं निरस्त हो चुका है, राज्य जो यूनिवर्सिटीज हैं, हर एक राज्य की यूनिवर्सिटीज हैं, केवल अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने पर विचार कर रहा है, तब बीएड परीक्षा कराने की अनुमति मिलनी मुश्किल है। ठीक है, विश्वविद्यालय के अंतिम व अंतिम सेमेस्टर्स को छोड़कर अन्य कक्षाओं में बिना प्रवेश के ही प्रोन्नत करने का फैसला लिया गया है। ठीक हो, उनको आगे बढ़ा दिया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन ने शासन से मांग की है, तो ये इसीलिए न्यूज़ निकल के आया है क्योंकि डिमांड किया गया है स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के द्वारा, समझ में आया। शासन से मांग की कि इस वर्ष बीएड 2021 की प्रवेश परीक्षा ना कराई जाए, इसके स्थान पर एक अस्थायी आपातकालीन व्यवस्था के रूप में अभ्यर्थियों को उनके स्नातक, मतलब जो आपकी बीए की डिग्री होगी या ग्रेजुएशन की डिग्री जो भी आपने किया होगा ग्रेजुएशन में, और 10वीं परीक्षाओं में प्राप्त अंकों में बनने वाली मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाए, पर वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, और कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है, तब लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा कराना जोखिम भरा हो सकता है। देखिए, ये तो इन लोग का डिमांड है और इन लोग का मांग है। अब मेरी बात सुनिए, जो मुझे लग रहा है ना, हिंदुस्तान में जो आर्टिकल निकला, हो सकता है इसमें सच्चाई हो, मैं इसमें झुठला नहीं सकता हूँ क्योंकि उन्होंने बात किया है यूनिवर्सिटी से और डिमांड किया है, ठीक है, आयोग से। लेकिन जो मुझे लगता है माई डियर फ्रेंड्स, की एग्जाम जो होगा ना वो रद्द नहीं होगा, तो मेरी तरफ से तो ऐसा मुझे लग रहा है कि रद्द नहीं हो रहा है। बाकी अगर रद्द हो जाएगा, देखो, कुछ बच्चे खुश हो जाएंगे जिनको प्राइवेट सीट लेना है, कुछ बच्चे दुखी हो जाएंगे जिनको गवर्नमेंट सीट लेना है, बिकॉज गवर्नमेंट सीट ले पाना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसी को हो सकता है ग्रेजुएशन में कम नंबर हो और इंटर और 10वीं में भी कम नंबर हो, लेकिन उसका प्रिपरेशन अच्छा हो और वो गवर्नमेंट सीट ले जाए, और जब मेरिट के आधार बनेगा तो शायद वो ना ले पाए, तो ये एक इशू हो सकता है। ठीक है, मुझे जो यही एक इशू लग रहा है। बाकी देखिए क्या डिसीजन आता है आयोग से, कुछ भी डिसीजन आता है एग्जाम डेट से संबंधित या कुछ भी डिसीजन आता है रद्द से संबंधित, कुछ भी आता है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ,
और चैनल पर अगर पहली बार आपने लिया तो लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, डेफिनेटली लाइक करना है और आपको शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या है कि वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं ना तो बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं, जैसे कि उन तक वीडियोस नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, और इस चैनल पर मैं आपको फिर से रिमाइंडर कराना चाहता हूँ कि इस चैनल पर भी यूबी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हो रहा है, तो आप लोग जाकर वीडियो की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं वीडियोस, अगर आपको वीडियोस पसंद आता है तो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।